आपको बताने वाले कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। आप लोग जनरली जब व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे तो उसमें आता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। अब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आपका जो भी डेटा है, आप जो भी दूसरे को शेयर करना है, वो थर्ड पार्टी आपकी पढ़ नहीं पाएगी और प्रॉपरली आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से जो डेटा हमारा जाता है वो एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है कि वो डेटा हमारा अनरीडेबल फॉर्म में चेंज हो जाता है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन प्रोवाइड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग कम्युनिकेशन। इन एंड टू एंड एनक्रिप्शन सिस्टम ओनली पीपल हु कैन एक्सेस डेटा आर सेंडर एंड द इंटेंडेड रेसिपिएंट। तो ये क्वेश्चन कि क्या हैक हो सकता है डेटा, तो इसमें जनरली वो बोलते हैं कि हैक नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। डेटा हैक भी हो सकता है क्योंकि अनवांटेड पार्टी तो नहीं पढ़ पाती, काफ़ी कुछ प्रोटेक्टेड भी है ये, लेकिन गूगल भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये है कि अगर आपका मेटा डेटा किसी तरह लीक हो गया ट्रांसमिट होते समय, तो उसको हैक किया जा सकता है। तो ये दो तरह का होता है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में एक की यूज़ होती है सिक्योरिटी की, इसमें दो की यूज़ होती है, और इसकी स्पीड जो होती है बहुत हाई होती है और एसिमेट्रिक में स्लो होती है। इसकी साइज यूजली सेम होती है जितना कि प्लेन टेक्स्ट आपके पास आ रहा है, लेकिन इसकी साइज क्योंकि डबल एनक्रिप्शन होता है, इसमें डबल की लगती है, इसलिए इसकी साइज बढ़ जाती है। नोज कीज बोथ पार्टी एक ही की को यूज़ करती है और दोनों ही कीज को जानती है, लेकिन इसमें एक की सेंडर के पास होती है और एक की प्राइवेट की जो होती है वो रिसीवर के पास होती है। तो केवल वो रिसीवर ही उसको जानता है और तभी एनक्रिप्ट कर सकती है वैल्यू को जब उसके पास प्राइवेट की हो। तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल के साथ डिजिटल सिग्नेचर के साथ होता है। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो ज़्यादा सिक्योर होती है, और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हमारी कम सिक्योर होती है। तो हम लोग जो व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं वो हमारी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है, क्योंकि प्राइवेट की और पब्लिक की तब दोनों जब होती है जबकि कोई बड़ी इंडस्ट्री या कंपनी उसको यूज़ करती है। अब ये देखिए यहाँ कैसे होता है, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट होता है, इसमें एक की होती है जो पब्लिक होती है जो शेयर्ड होती है और सिफर टेक्स्ट बनता है, और उसी की से हमारा डिक्रिप्ट हो जाता है वैल्यू और रेसिपिएंट उसको डिक्रिप्ट कर लेता है। आपको पता भी नहीं लगता, आप दूसरे का चैट पढ़ लेते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि आपके पास किस तरह से डेटा आ रहा है, जबकि एसिमेट्रिक में दो डिफरेंट की होती है और केवल रेसिपिएंट ही उसको डिक्रिप्ट कर सकता है सिफर टेक्स्ट को और वो ही पढ़ सकता है। तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सिक्योरिटी पर्पस से बनाया जाता है और वो भेजा जाता है। तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट दो की होती है, सीक्रेट की को ही प्राइवेट की कहते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि इसको ट्रांसमिट करने में सिक्योरिटी होती है, कोई बीच में उसको हैक नहीं कर सकता है, और एंड पॉइंट हमारा पहले से डिसाइडेड होता है कि कहाँ पर डेटा जा रहा है। टेम्पर प्रूफ होता है, क्यों? क्योंकि बीच में लोग उसको ट्रांसमिट करते समय टेम्पर नहीं कर सकते, उसको हैक नहीं कर सकते, उसका डेटा चुरा नहीं सकते। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का कंप्लायंस होता है कि कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस लॉ को माने जिसकी वजह से उनका डेटा सिक्योरली जाए, और एसिंक्रोनस मेरे ख्याल से यही लोग यूज़ करते होंगे, तभी इनका डेटा सिक्योर पहुंचता है और जल्दी लोग हैक नहीं कर पाते हैं और अनरीडेबल फॉर्म में जीरो टेक्स्ट फॉर्म में जाता है। अब एडवांटेज क्या है इसका कि कॉम्प्लेक्सिटी इन डिफाइनिंग द एंड पॉइंट को डिफाइन एस करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये हमेशा कंफर्म होना पड़ता है कि कोई दूसरा उसको पढ़ ना पाए। इसकी वजह से इसमें बहुत अधिक प्राइवेसी होती है और विजिबल मेटा डेटा अगर आपका डेट टाइम और रेसिपिएंट का नाम पता लग जाता है तो हैकर्स उसको हैक भी कर सकता है।
एंड पॉइंट सिक्योरिटी इसलिए बहुत जरूरी है कि वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, जिससे एनक्रिप्टेड डेटा रिवील ना हो। और लेकिन ये अब आगे इसको क्रिप्टोग्राफी जो है ऑब्सोलीट होती जा रही है, अब कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि आपका डेटा कोई और रिवील ना कर सके और आपका डेटा बचा रहे। क्रिप्ट इंस्टेंट मैसेजिंग जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाले, वो है विकर्मी, एलिमेंट, सिक्योर स्पॉट, चेसन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा हम लोग जो यूज़ करते हैं सिग्नल, थ्रीमा, टेलीग्राम, वाइबर, लाइन, लेन, जनरली लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब यूज़ करते हैं। और सिग्नल आजकल बहुत एडवांस माना जा रहा है, जिसकी सिक्योरिटी बेस्ट मानी जा रही है। सैमसंग और गूगल मैसेज ये सब भी एनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं। एप्पल का मैसेज एनक्रिप्टेड होता है, व्हाट्सएप का होता है, टेलीग्राम का होता है। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, आपको ये पता लगा होगा कि जो आप एनक्रिप्टेड मैसेज यूज़ करते हैं वो किस तरह से वर्क करता है और क्यों लिख के आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। So thank you viewer, this is all today. If you like this information, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal. And please press bell, बहुत कम लोगों ने subscribe कर रखा है। Thank you.